राजनांदगांव जिले के जोंगड़गढ़, खैरागढ़ और राजनांदगांव तहसील के विभिन्न ग्राम पंचायतों से होते हुए इन दिनों गेल इंडिया लिमिटेड कंपनी द्वारा मुंबई नागपुर से होते हुए झारसुगड़ा तक प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाने का कार्य किया जा रहा है, जिसमें पीड़ित किसानों का आरोप है कि कंपनी द्वारा बिना सर्वे किए, बिना किसानों की जानकारी और उन्हें मुआवजा दिए बिना ही संबंधित कंपनियों द्वारा कार्य शुरू कर दिया गया है, जिसके चलते किसान परेशान है। वहीं पूरे मामले में आज डोंगरगढ़ विधायक एवं अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष भुवनेश्वर बघे ने डोंगरगढ़ एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है और यह मांग की है कि बिना सर्वे एवं बिना मुआवजा प्रदान किए किसी भी किसानों की कृषि भूमि पर पाइपलाइन का कार्य प्रारंभ ना किया जाए। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए विधायक ने कहा कि ये एक मामला है कि नागपुर से झारसुगड़ा एक गैस की पाइपलाइन जा रही है और वो मेरे 40-42 गांव, मेरे विधानसभा के 40-42 गांव से गुजर रही है। ना उस कंपनी ने हमारे किसानों को पूछा, ना किसी अधिकारियों को पूछा, ना किसी जनप्रतिनिधियों को पता है कि भाई उसका मुआवजा क्या देना है, उसमें क्या 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 बनेगा। ये सब मांग को लेकर हम लोग आज यहाँ पर ज्ञापन दिए हैं। जो पाइपलाइन है वो गड्ढा खोदने का काम चालू कर दिए हैं, हमारे खेत में बड़े बड़े जेसीबी से गड्ढे खोदे जा रहे हैं। हमारे जो किसान, हम लोग खेत छत्तीसगढ़ में ज़्यादा अधिकतर खेत की पैदावार होती है, उसके हिसाब से बड़े बड़े मेड़ बने हुए हैं। बड़े बड़े मेड़ जो बने हुए हैं उसको तोड़कर बड़े बड़े गड्ढे किए जा रहे हैं, उसको बराबर भी नहीं कर रहे हैं। हम लोग ये चाह रहे हैं कि जो मुआवजा मिलना है वो हमारे किसानों को जल्द से जल्द मुआवजा दिया जाए। 8 दिन के अंदर अगर हमारे जो किसानों को प्रभावित किसान है उसको मुआवजा नहीं मिलेगा तो हम लोग उग्र धरना प्रदर्शन आंदोलन करेंगे। हम लोग किसानों को मुआवजा दिला के रहेंगे। राशन गांव से संवाददाता विपुल कनेकर रिपोर्ट।